नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिडवेब्स, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कैप्चरिंग फ्रॉम रील टू रियल। प्री बुकिंग विल गेट 20% डिस्काउंट। ज्वेलरी कंपनी के नाम पर ठगी, ग्राहकों के पैसे वापस करने की मांग को लेकर थाने में प्रदर्शन। ज्वेलरी कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में सिलीगुड़ी के एक पार्षद के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पैसे वापस करने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी के प्रधाननगर थाने में विरोध प्रदर्शन किया। पिछले शनिवार को पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को जब आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में लाया गया तो पुलिस ने उन्हें 5 दिनों के लिए हिरासत में भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी। दूसरी ओर ग्राहकों और एजेंटों का पैसा वापस करने को लेकर सिलीगुड़ी प्रधाननगर थाने में विरोध प्रदर्शन किया गया और सभी के पैसे वापस करने की, दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। जानें जे दुदिन आगे 47 नंबर वार्डर थेके एक जन प्रतारक ग्रेप्तार हुए छे, दीपक कुमार शाह नाम तार, एवं जाना गया छे जे से जे सोना जे अलंकार तैरी से अलंकार कारखाना तैरी करे छिलें, एक कम्पानी तैरी करे छिलें, এবং সেখানে কিছু এজেন্ট রেখেছিলেন, যেরকম চিটফান্ডে যে এজেন্ট থাকে, এজেন্টের মারফতে প্রায় 10,000-এর উপরে মানুষের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা তুলেছে, আর সেই টাকা তাদেরকে এখনো পর্যন্ত ফেরত দেয়নি। 1 বছর হতে চললো সেই কোম্পানি তারা বন্ধ করে দিয়েছে, না এজেন্টরা কোনো টাকা পেয়েছে, না যাদের থেকে টাকা উঠিয়েছে সেই সমস্ত সাধারণ মানুষ তাদেরকে টাকা ফেরত দিয়েছে, না সোনা ফেরত দিয়েছে। টোটালটাই একটা ডামাডোল, টোটালটাই একটা চোরাগোপ্তা। तृणमूल छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के स्थापना दिवस को लेकर चलाया दीवार लेखन अभियान। तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस 28 अगस्त को है। जलपाईगुड़ी जाने से पहले त्रिनांकुर भट्टाचार्य ने सिलीगुड़ी पहुंचे। उन्होंने 28 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर दार्जिलिंग जिला तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं और सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉलेज पार्क में दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए। 28 अगस्त से पहले जलपाईगुड़ी में एक संगठनात्मक बैठक में भाग लेने के लिए तृणमूल छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष त्रिनांकुर भट्टाचार्य सोमवार को कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पहुंचे। 28 अगस्त के सामने रखे छात्र जीवन मध्य उन्मेलना तुंगे तृणमूल छात्र परिषद प्रतिष्ठा दिवस सारा बांगला जुड़े छात्र समाज तैरि होते कलकता ढूके ता बृहत् परमाणे उपस्थित है और মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় जो नतून इंडिया तैरि जो राज्य तरह संगे सामिल हो। आज के सिलीगुड़ी उपस्थित हलम, हमारे खूब प्रिय जैगा, खूब प्रिय कलेज, एखे हमार कलेज बंधुरा रही। এরপর আমি জলপাইগুড়িতে যাব, সেখানে একটি সাংগঠনিক মিটিং রয়েছে, সবকটা জেলাকে একসঙ্গে নিয়ে ক্লাস্টার করে লিডারশিপদের সঙ্গে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি নিশ্চিত গত বছর আমরা দেখেছিলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র জমায়েত উত্তরবঙ্গ থেকে উপস্থিত হয়েছিল এবং এবছর যা হাওয়া পাচ্ছে মনে হচ্ছে প্রত্যেকবার প্রত্যেকে নিজের রেকর্ড গতবারে ব্রেক করবে। এই উপলক্ষে কি বার্তা দিতে চান? ছাত্র যুবরা প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হয়ে ছাত্র যুবদের প্রমাণ করতে হবে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন এবং ছাত্রদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভালোবাসেন। আমি নিশ্চিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালোবাসাকে পাথেয় করে আগামী দিনে ছাত্র সমাজ আরও এগিয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত ছাত্র সমাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকবে। পিকনিক মানানে কে দৌরান গুলমা নদী মে ডুবা যুবক, পরিবার নে দোস্তো পর লাগায়া হত্যা কা আরোপ। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के दौरान एक युवक गुलमा नदी में डूब गया। मृतक का नाम अमित सहनी है। वह सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 18 का रहने वाला है। परिवार का कहना है कि यह दुर्घटना नहीं है। मृतक के परिवार ने 6 दोस्तों पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है। रविवार को अमित सहनी अपने 6 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गुलमा गया था। वहाँ लोगों ने शराब पी थी। उसके बाद अमित और उसके दोस्त नदी में नहाने चले गए। उनमें से एक दोस्त नदी में डूब रहा था। अमित उसे बचाने के लिए गहरे पानी में कूदा और डूब गया। फिर बाकी दोस्तों ने अमित को बचाया और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने कहा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे। उधर सबको पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस पूरे घटना की जाँच कर रही है। 12 बजे गया है उसको लेके, 12 बजे रिपोर्ट दिया हम लोग का, 4 बजे 4:15 में सब यहीं का है। हाँ, उसका किसी के साथ में दोस्ती नहीं है। उसको एक गाड़ी लिया है, गाड़ी के लिए ये लोग पार्टी किया है, पार्टी में ये लोग का लेके किया है।
अब यहीं पर है, अभी तो कोई घूर के नहीं गया है, वहाँ से लेके भागा है, वो लोग नहीं गया है। आज हम स्पोर्ट में गया है, स्पोर्ट में मेरा लड़का डूबने वाला नहीं है, वहाँ 5-4.5 फुट पानी है, मेरा लड़का खाता 5.5 फुट, 5.5 फुट 4 इंची, उसको कंधा पर चढ़ के दबा है, कंधा पर 3 आदमी चढ़ के दबा है, ऐसे करके दबा हुआ, ऐसे करके कहाँ मरेगा वो तगड़ा। अब एक आदमी के प्रमाण के जरिए जो 30 केजी के आदमी जो 90 केजी जो चढ़ेगा तो लड़का कैसा रहेगा। वो 3 लड़का निकल गया, लड़का मेरा वहाँ पर है, बाद में मेरा लड़का कोई चला है। अपना काम करता था, अपना काम करता था। सिलीगुड़ी के सुरेशन कॉलोनी में एक व्यक्ति का लटकता शव बरामद। सुरेशन कॉलोनी इलाके में एक व्यक्ति का लटकता हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक का नाम बाबुल देव है, वह सुरेशन कॉलोनी का रहने वाला है। आज उनके घर के बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर जब मृतक के परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने शव को पंखे से लटकता हुआ पाया। पुलिस को सूचना देने के बाद न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। राहुल काका बयस्क नामे गलाय दड़ी दिए মুন্নামাইদান 3টার দিকে কারণটা তো এখনো জানা যায় না, ওটা খোঁজ করতে লাগবে। কারণটা এখন অ্যাম্বুলেন্সে উঠাই যে পাঠাইলাম, এটা 3টার দিকে হয়েছে। বাড়ির লোক ছিল বাড়িতে? বাড়ির লোকও ছিল বাড়িতে। মানে হঠাৎ এই বয়সে কোনো কোনো কিছু হইতে পারে, তারপরে তো এমনি তারপর গলায় দড়ি দিয়েছে, এমনি কোনো কিছু হইতে পারে। পুলিশ আসছিল। उत्तर बंगाल विकास विभाग के फंड से कुछ बिहार में स्विमिंग पूल का हुआ उद्घाटन। कुछ बिहार के निवासी लंबे समय से कुछ बिहार के मध्य में एक स्विमिंग पूल की मांग कर रहे हैं। उत्तर बंगाल विकास विभाग के फंड से बने कुचबिहार स्टेडियम में स्विमिंग पूल का आज उद्घाटन किया गया। आज कुचबिहार जिला प्रशासन ने उत्तर बंगाल विकास विभाग के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ को आजीवन सदस्यता का कार्ड दिया। इस उद्घाटन समारोह में कुचबिहार के जिला शासक पवन कादियान, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कई लोगों को प्रशासन की ओर से औपचारिक रूप से सदस्यता का फॉर्म सौंपा गया। 31 जुलाई आज के थे कुचबिहार स्विमिंग पुल सकल खुले देवा सबाई स्विमिंग पुलर फैसिलिटीज के उपभोग कर मेम्बरशिप नीन और साँतार शिख जदि ना साँतार नाओ शिखते चान ताओ स्विमिंग पुलर मेम्बरशिप नहीं रिलैक्स करार्जन स्विमिंग पुल के अपनारा व्यवहार करूँ। খুব ভালোভাবে ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটির পুরো সুইমিং পুলের ফ্যাসিলিটিজ এখানে বানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আমাদের রাজ্য সরকার পুরো জিনিসটাকে বানিয়েছে। এটা কুচবিহারই না, আশেপাশের অন্য অন্য জেলার লোকেরাও এখানে এসে সুইমিং শিখতে পারে। সুইমিং ইনস্ট্রাক্টরদেরও পুরো ব্যবস্থা রয়েছে, সব ধরনের যা যা ব্যবস্থা দরকার সবই রয়েছে। আপনারা সবাই আসুন, মেম্বার হন আর সুইমিং শিখুন। সাধারণ মানুষদের জন্য সব ব্যবস্থা ওদের জন্যই আছে, মেম্বারশিপের জন্য মেম্বারশিপ ফর্ম আছে, যেটা সুইমিং পুলের এখানে রিসেপশন থেকেও নেওয়া যাবে, যেটা জেলা শাসকের দপ্তর থেকেও নেওয়া যাবে, যেটা এসডি অফিস থেকেও নেওয়া যাবে, ডিওয়াই অফিস থেকে নেওয়া যাবে, পৌরসভা থেকেও নেওয়া যাবে। কত টাকা ধার্য করা হয়েছে সেটা মেম্বারশিপ ফর্ম যারা নিতে আসবে যখন, তো মেম্বারশিপ ফর্মের জন্য 200 টাকা আছে। তারপরে টাইপ অফ মেম্বারশিপ ওরা কী নিতে চায়, অনেক 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 ধরনের মেম্বারশিপ আছে, যেখানে ছোটো বাচ্চাদের জন্য আলাদা একটা ব্যবস্থা রয়েছে, বড়োদের জন্য আলাদা আছে, মাল্টিপল শিফটে যদি কেউ করতে চায় তার জন্য আলাদা আছে, 1 বছরের বেশি 2 বছর পর্যন্ত যদি কেউ মেম্বার নিতে চাইছে তার জন্য আলাদা আছে। দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা কুচবিহার এই সুইমিং পুলটাকে কুচবিহারকে দেওয়ার জন্য অনেক বড় ওনাদের ভূমিকা আছে, আমাদের আগেকার মন্ত্রী আর এখনকার মন্ত্রী উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত উদয়ন গুহ, ওনারা অনরারি লাইফটাইম মেম্বার হিসাবেও ওনাদেরকে আমরা সম্মান দিয়ে ওনাদেরকে সেভাবে মেম্বারশিপও দেওয়া হয়েছে।
नौकरी की मांग में श्रमिकों ने फैक्ट्री के सामने किया प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर श्रमिकों ने पानागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी कारखाने के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का दावा है कि वे स्थानीय निवासी हैं। वे फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही वहां काम करते थे। जैसे ही फैक्ट्री का निर्माण हुआ, फैक्ट्री के अधिकारी एक एक करके श्रमिकों की छटनी करने शुरू कर दी। फैक्ट्री के अधिकारियों से काम का अनुरोध किया गया, पर कुछ नहीं हुआ। मजबूरन उन्होंने आज सुबह से फैक्ट्री के गेट के सामने धरना देना शुरू कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आने वाले दिनों में भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, गेट पूरा ब्लॉक? अभी मैनेजमेंट आ रहा है बात करने। अभी मैनेजमेंट आ रहा है बात करने। कल का गेट बंद हो बेटा। नहीं नहीं, अभी मैनेजमेंट आ रहा है। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी आप तब से देख रहे हैं, क्या बात हुई? नहीं नहीं, ये किन से? इन लोग से बात हो रहा है? नहीं नहीं, इन लोगों का कहना का मतलब काम चाहिए, काम तो कर रहा है लोग, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट आ रहा है बात करने। अभी तक तो आप बोल रहे हैं, मैं सिक्योरिटी मैनेजर हूँ। अभी तक बोल रहे थे सर काम देंगे। उमेश कुमार। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 6 रुपया मा 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया मा 1 करोड़ 6 रुपया मा 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया मा। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा, अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया मा 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया मा 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall decoration from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Hello students, are you looking for the MBBS admission in abroad? तो जाना मत, बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ अबाउट द सेमिनार। सो गाइज, हमारी कंपनी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रही है जिसकी डेट है 6 अगस्त। 6 अगस्त हमने डेट इसलिए रखी है क्योंकि उस दिन संडे पड़ रहा है। गाइस, इस सेमिनार को अटेंड करने से आपको अपने मेडिकल करियर में काफी हेल्प मिलने वाली है। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज इस सेमिनार से मिलने वाली है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है MBBS एडमिशन के लिए। तो ये जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, इसका जो वेन्यू होगा वो सिलीगुड़ी के अंदर होगा, एट सालूजा होटल ऑन HC रोड। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झना होस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौ, हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौसम्म जोगाएर राख्नेछौ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9
9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी महकमा परिसर में डेंगू पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। सिलीगुड़ी महकमा अंतर्गत चार ब्लॉकों में डेंगू के प्रकोप को नियंत्रण में करने के लिए जिला परिषद के अधिकारियों के ने जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक सिलीगुड़ी महकमा परिसर के प्रशासनिक कार्यालय में आयोजित की गई। अध्यक्ष अरुण घोष ने कहा कि महकमा क्षेत्र में चार ब्लॉकों में से माटीगढ़ा ब्लॉक में कुछ डेंगू के मरीज पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माटीगढ़ा ब्लॉक और अन्य ब्लॉकों के हर स्वास्थ्य केंद्र और हर अस्पताल में डेंगू के इलाज की पर्याप्त सुविधाएं हैं। डेंगू नहीं है प्रतिनियत तो मॉनिटरिंग करी ब्लॉके ब्लॉके इवन जीपी जीपी थे किंतु हमरा डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटरिंग करी हमारे वेक्टर कंट्रोल टीम এগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ করছে। যারা ভিআরপিরা আছে প্রতিনিয়ত কিন্তু প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে কিন্তু প্রতি বছরের প্রতিটা দিনই ওরা সার্ভে করে এবং এই সময়টা ডেঙ্গুর উপদ্রব আমরা জানি সবসময় বেশি হয়, তো আমরা কিন্তু এর জন্য অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা ট্যাবলো বানিয়েছি আর আমরা যেভাবে যেসব স্প্রেগুলো দরকার আমরা এর আগেও দু তিনটে মিটিং করেছি, আজকেও একটা মিটিং করছি। এতে ডিএম সাহেব সিএমও সাহেবরা সবাই এসেছেন এবং প্রত্যেকটা ভিডিও সব আছেন। আমরা চাই এখন পর্যন্ত কন্ট্রোলে আছে ডেঙ্গু নিয়ে আমাদের মহকুমা পরিষদ ভালোভাবেই কন্ট্রোলে আছে। শুধু মাটিগাড়া ব্লকটা নিয়ে আমরা একটু চিন্তিত, যেহেতু মাটিগাড়া ব্লকটা একদমই শিলিগুড়ি সহ সংলগ্ন আছে এবং বাইরের থেকেও প্রচুর লোকটা আছে। আপাতত আমাদের শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ডেঙ্গুর উপদ্রব সেরকম নেই এবং আমরা এটাকে বাড়তেও দিব না সেই প্রচেষ্টা করছি। আমরা ব্লক ডিস্ট্রিক্ট এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তিনটা স্তরেই কিন্তু মনিটরিং টিম করা আছে এবং আমরা কিন্তু জেলার থেকেও মনিটরিং প্রতিনিয়ত করছি। চারটা ব্লক কিন্তু আজকের ডেটে তো খুবই মিনিমামই আছে, তার মধ্যে যেগুলো হয়েছিল এখন মোটামুটি সবাই সুস্থ আর বেশিরভাগই বাইরের থেকে এসেছিলেন। তো এখন আমরা যা পজিশন আছে বললাম যে মাটিগাড়া ব্লক নিয়ে তো আমরা ইয়ে আছি, বাকি করিবাড়ি ব্লক বা নকশালবাড়ি ব্লক বা ফাঁসিদা ব্লক আমরা একদম কন্ট্রোলে আছি। उत्तर दिनाजपुर के नेशनल हाईवे 31 पर पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, 8 घायल। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार नक्सलबाड़ी के झारखंड के बाबा धाम जाने के क्रम में नेशनल हाईवे 31 के किनारे इस्लामपुर बाईपास के इलाके में बुलेरो पिकअप पलट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को इस्लामपुर महकमा अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাল্টি খেয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কোন দিক থেকে আসছিল গাড়িটি? এটা শিলিগুড়ির দিক থেকে যাচ্ছিল বলবো বলবমের দিকে যাচ্ছিল, তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। এখনো জানা যাচ্ছে কতজন আহত রয়েছে গাড়িতে? একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছে, ওদেরকে আমরা একটা প্রাইভেট গাড়িতে পাঠিয়েছি, বাকিগুলোকে আমরা পাঠিয়েছি। ও আচ্ছা, আমরা এখানে স্পটে ছিল। কতজন ছিল গাড়িতে জানা আছে কিছু? আটজন ছিল। ড্রাইভার নিয়ে আটজন, তাদেরকে কি পাঠানো হয়েছে? আমরা একজন মহিলা গুরুতর হয়েছে আহত, ওনাকে একটা প্রাইভেট গাড়ি আটকে পাঠিয়েছি। আচ্ছা, বাকিগুলো এই জায়গাটার নাম কি? তেলিবিটা ঘোড়ামারা। তেলিবিটা ঘোড়ামারা, এই রাস্তার উপরে? এর আগেও কি এরকম ঘটনা ঘটেছে মাঝখানে? এখানে মানে মাসে মাসে এরকম ঘটনা। सिलीगुड़ी में रीडिंग फेस्टिवल 2023 आयोजित। प्राथमिक विद्यालयों में किताब पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल शिक्षा मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में रीडिंग फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। नगर निगम के वार्ड नंबर 23 के पार्षद लक्ष्मी पाल ने कहा, खासकर कोरोना के बाद से बच्चे मोबाइल फोन के प्रति अधिक आकर्षित हो गए हैं, उन्हें किताबों के प्रति फिर से आकर्षित करने के लिए यह पहल की गई है। वार्ड नंबर 23 के उदयन कॉलोनी प्राइमरी स्कूल में रीडिंग फेस्टिवल 2023 मनाया गया। माटीगढ़ा इलाके में मछली पालन को लेकर प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। पश्चिम बंगाल सरकार मछली पालन विभाग की माटीगढ़ा ब्लॉक समिति ने सिलीगुड़ी माटीगढ़ा क्षेत्र में मछली पालन का एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में माटीगढ़ा के वीडियो श्रीवास विश्वास उपस्थित थे। शिविर का आयोजन आज माटीगढ़ा पंचायत समिति के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इस शिविर में माटीगढ़ा वीडियो श्रीवास विश्वास एवं माटीगढ़ा पंचायत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। मालूम हो कि इस कैंप में अलग अलग जगहों के से मछुआरे हिस्सा लिए। इस शिविर में आधुनिक तरीके से मछली पालन कैसे करें इसका प्रशिक्षण किया गया।
अलीपुरद्वार में 4 लेन सड़क का काम फिर से शुरू करवाने की मांग को लेकर NH प्रबंधक को दिया गया ज्ञापन। अलीपुरद्वार में सालबाड़ी से फालाकांटा तक 41 किलोमीटर सड़क अब खराब स्थिति में है। आज अलीपुरद्वार टाउन ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया। अलीपुरद्वार के पूर्व विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने शिकायत की कि 2019 में केंद्र सरकार ने अलीपुरद्वार के सालसावाड़ी से सिलीगुड़ी के घोषपुकुर तक 140 किलोमीटर सड़क का काम बड़े धूमधाम से शुरू किया था, अब 30 किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ है, सड़क खराब है, अगर सड़क का काम तुरंत शुरू नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए ज्यादा तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK Live। धन्यवाद।